तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। अगर आप एक शेयर चैट क्रिएटर हो, अगर आप शेयर चैट यूजर हो, या फिर आप शेयर चैट चैंपियन हो, एक चीज का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर शेयर चैट पर जो हम वीडियोज डालते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वीडियोज कितनी डालनी चाहिए। मतलब अगर पर डे हम लोग कोई वीडियो बना रहे हैं, चाहे अगर हम चैंपियन वाले हैं तो कितनी वीडियो डालें, अगर हम नए क्रिएटर हैं तो कितनी वीडियो डालें। हालांकि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन डीपली कोशिश करूंगा आज आप लोगों को समझाने के लिए। तो फटाफट से टॉपिक पर आ जाते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो सिर्फ यूजर हैं। यूजर मतलब समझ रहे हो, जो लोग सिर्फ यूजर मतलब एज अ क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चैंपियनशिप में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो यूजर है, उनके लिए क्या करना है। देखो आप लोग नए नए हैशटैग पर वीडियोस डालते हो, अच्छी बात है डालो, लेकिन जो उसका नंबर है, नंबर ऑफ वीडियोस, उसमें आपको कम से कम 3-5 वीडियो का रेशियो ये रखना ही रखना होगा। मतलब कोशिश करो 3-5 वीडियो आपको बनाओ और बना के उसको अपडेट करो। ये हो गया यूजर्स के लिए, जो यूजर्स हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग चैंपियन वाले, तो चैंपियन वालों के लिए वीडियोस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब ये है कि अब वो जो काम कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अर्निंग से मतलब है। अर्निंग अगर उनकी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है वो लोग मेहनत उस पर कर ही रहे हैं। अब अगर मेहनत उस पर कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियोस की व्यूज, वीडियोस का कंटेंट और वीडियोस की इंपॉर्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? बात यह कि उनके लिए कम से कम जो रेशियो आता है नंबर ऑफ वीडियो का, वो लगभग 5-10 वीडियो का आता है। आपको 5-10 वीडियो बनानी है। इस बार कई लोगों ने मुझे ये टॉपिक पूछा तो है, लेकिन साथ ही साथ इसको भी मेंशन करा है कि सर यूजर्स नए कितने डाल सकते हैं, पुराने कितने डाल सकते हैं, तो मैं लगभग सभी लोगों को बता के चल रहा हूँ। तो आप लोगों ने पहले देखा जो नए यूजर्स हैं, नए यूजर्स के लिए मैंने बताया आपको कि आप उसमें वीडियो डालिए 3-5। जो लोग चैंपियन वाले यूजर्स हैं उनके लिए 5-10 वीडियो डालनी है। अब 10 वीडियो आपने डाल तो दी, लेकिन इसका एक शेड्यूल टाइम है। शेड्यूल टाइम इन द सेंस कि आप उसको एक टाइमिंग के अनुसार डाल सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। इसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी पर। एक कैटेगरी हो गई आप लोगों को जो यूजर्स हैं, सेकेंड कैटेगरी हो गई जो आप एज अ चैंपियनशिप में भाग ले चुके, थर्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है आप लोग चैंपियन बन जाते हो, लेकिन उसके बाद जो चैंपियन में से हटा दिए जाते हो उनके लिए क्या करना है? देखो भाई, उनके लिए आता है कि आप 3-5 वीडियो डालो, लेकिन अब वो जो वीडियो होनी चाहिए वो कूड़ा कबाड़ा डालो। मतलब जो आपने पहले अच्छा कंटेंट दिखाया था, आपको उस कंटेंट की दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना कूड़ा कबाड़ा उठा के डाल सकते हो, मतलब एकदम रद्दी बटा रद्दी बोल सकते हो उसको। आप वो डालो, उस पर व्यूज़ आने के चांसेस है, इस बात को लिख के दे सकता हूँ। अगर नहीं आए तो आप मेरे चैनल पर वापस आओ, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैं सच्चाई की तरफ बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहले यूजर्स के लिए 3-5 वीडियो, दूसरे यूजर्स के लिए जो चैंपियन में है उनके लिए 5-10 वीडियो, और थर्ड यूजर जो है जो चैंपियनशिप से हट चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए 5 वीडियो का एवरेज है, लेकिन किसी भी प्रकार की वीडियो वो डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टाइमिंग, टाइमिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको चेक कर लेना। टाइमिंग की मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। आप मॉर्निंग में जितनी अच्छी वीडियोज डाल सकते हो आप डालो, मॉर्निंग के बाद आप 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई वीडियो मत डालो। डाल भी रहे हो तो एक आध उसमें डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर कोई ट्रेंड एकदम से आ गया उसमें तो आप डाल सकते हो, और शाम की कोशिश करो तो 5 के बाद आप रात 10 बजे 11 बजे तक आप वीडियोस डाल सकते हो, कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। व्यूज आपके उस वक्त अच्छे आते हैं, अच्छे क्यों आते हैं वो वीडियो में आप जाके देख ही सकते हो जो मैंने इस पर पहले बना चुका। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हो, हैंडल मेरे को वहां पे DM कर सकते हो, और मेरा शेयर चैट अकाउंट पर आप आके मुझसे पर्सनली बातचीत कर सकते हो। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।